हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, भगवान गणेश के बारे में ये रोचक और खास बातें नहीं जानते होंगे आप। जाने ये सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार भक्तों के लिए खुशियाँ और नई उमंग लेकर आता है और भक्तजन इस दिनों को गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। बप्पा की प्रतिमा को ढोल नगाड़े के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ घर पड़ोलों और मंदिरों में विराजमान किया जाता है और हर कोई गणपति की भक्ति में डूब जाता है। 10 दिन तक चलने वाले ये पर्व हर किसी के लिए बेहद खास होता है और हर तरफ इस 10 दिनों में बप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। मूर्ति स्थापना के बाद गणपति जी के पूरी विधान से 10 दिन तक पूजा अर्चना होती है और उन्हें उनके प्रिय मोदक का भोग भी लगाया जाता है और इसके बाद बप्पा का विसर्जन उस उम्मीद से किया जाता है कि गणेश अगले साल जल्दी फिर से आएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर हम आपको उनसे जुड़ी खास विशेष बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप नहीं जानते होंगे, तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, अलग अलग भगवानों का अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाती है, लेकिन सिर्फ भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें दुर्वा अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि अगलासुर नाम का राक्षस ऋषि मुनियों को जीवित ही निगल जाता था, ऐसे में गणपति जी भी उस राक्षस को निगल गए थे। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण उनके पेट में जलन होने लगी और इस जलन को शांत करने के लिए कश्यप ऋषि ने उन्हें दुर्वा चढ़ाई थी, इसे गणेश जी शांत हुए। तो दोस्तों, इसी दिन से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने जाने लगी, इसे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये दुर्वा आप अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, भगवान गणेश को लिखने में कुशल माना जाता है और उन्हें इसके लिए विशेष दक्षता भी हासिल है। जब ऋषि वेदव्यास को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बिना रुके महाभारत लिख सके, तब ऐसे समय में गणपति महाराज जी ने महाभारत लिखी थी। तो दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान गणेश की सवारी मूषक है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एक राक्षस को गणपति ने चूहा बना दिया था और फिर उसकी प्रार्थना पर भगवान गणेश ने उसे अपना वाहन बना लिया और तभी से गणेश जी मूषक राज कहलाते हैं। तो दोस्तों, गणेश जी को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय है, पहली मोदक और दूसरा लाल सिंदूर। अगर आप बप्पा को मोदक का भोग लगाते हैं तो उन्हें लाल सिंदूर भी चढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें अवश्य चढ़ाएं, इससे आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, इस तरह गणपति जी को जो प्रिय है वो चीज़ें आप ये 10 दिनों में चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों, देर किस बात की, गणपति बप्पा को स्थापित करने के बाद आप उनकी विधि विधान से पूजा करें, अर्चना करें, यानी कि दोस्तों 10 दिनों तक बप्पा की भरपूर सेवा करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणपते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।